तारण तो आ रही है जिथों के पिंड चोला खुर्द दे विच एक परिवार नू बंदी बना के लुटेरिया ने लुट की वड्डी वारदात नू अंजाम दिता है। सो दस देने कि देर रात 1 बजे की घटना दसी जा रही है जो परिवार घर के अंदर सो रहा सी तां दर्जन के करीब लुटेरे जड़े ने कंध टप के घर के विच दाखल हुंदे ने। उस तो बाद परिवार नू बंदी बना लिया जाता है, हाथ पैर बन ले जाते हैं और परिवार नू बंदूक की नोक उत्ते लुट की वारदात नू अंजाम दिता जाता है। सो परिवार जिहड़ा सहम दे माहौल विच है, डरिया होया है क्योंकि वड्डी वारदात है, क्योंकि लुट की क्यों कह रहे हैं कि बंदूक की नोक उत्ते अजिही वारदात नू अंजाम दिता गया है। सारे ही लुटेरियां दे हाथ विच हथियार सन और परिवार का कहना है कि घर दे विच रखे सोने दे गहने, नकदी, मोबाइल फोन तक ये लुटेरे अपने नाल लैके फरार हो गए ने। सो मौके दी तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हां कि हालात जड़े ने घर दे किस तरह दे बने हुए ने। पिंड जड़ा है का इस परिवार दे कोल पहुंचा होया है, पिंड दे कई लोग उत्थे पहुंचे हुए ने और पूरा समान खिलरिया साफ तौर पर विखाई दे रहा है। जिहड़ी अलमारियां ने उन्हां चों भी कपड़े कढ के बाहर सुट्टे गए ने और सो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरियां ने पूरी तरह के नाल इस घर चो हथ साफ किया है, यानी कि घर के विच रखिया कीमती समान लैके फरार हो गए ने। पिंड के लोगों का कहना है कि अजिहियां वारदातां पहलां भी हो चुकिया ने पर पुलिस इस पूरे मामले दे विच कार्रवाई या फिर कह लिए कि लुटेरियां तक पहुंच करन दे विच नाकामयाब रही है। सो तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हां, पूरा मामला तरन तारण के पिंड चोला खुर्द का है जिथे देर रात ये वड्डी वारदात वापरी है। पूरा परिवार सो रहा सीगा, परिवार नूं कुछ समझन दी जिहड़ा समां ही नहीं दिता गया। लुटेरियां वालों तुरंत उन्हां नूं बंदी बना लिया गया घर के अंदर, उन्हां नूं हाथ पैर उन्हां दे बंद दिते गए और बंदूक की नोक ते, यानी कि परिवार के कहन मुताबक कनपट्टी ते बंदूक रखी गई कि जेकर उन्हां दी आवाज़ उन्होंने जेकर चिलाया गया या चीकिया गया तो उन्हां नूं गोली भी मार दी जाएगी। सो इसी डर दे विच परिवार का कोई भी जी जिहड़ा है उन्होंने रौला नहीं पाया और लुटेरे जिहड़े ने दस्या जा रहा है कि 15 तो 16 लुटेरे सन जिन्हां ने घर दे विच रख्या कीमती समान लै के उतों चले गए ने। फिलहाल पुलिस वालों मामला दर्ज कर लिया गया है पर सवाल यही उठता है जिस तरह के नाल पिंड के लोगों ने दसिया कि पहला भी अजिहियां घटनावां वापरिया ने पर पुलिस के हाथ अजे भी खाली ने, कोई भी लुटेरा पुलिस के कब्जे विच नहीं आया, पुलिस वालों उन्होंने नहीं फड़िया गया और एक वारदात होर वापर गई है इस पिंड दे विच और सहम का माहौल इस परिवार दे विच है, पिंड दे विच है क्योंकि लोग डरे हुए ने कि लगातार अजिहियां वारदातां जो वापरदियां ने तां ओह कित्थे सुरक्षित ने। फिलहाल पुलिस तां मौके ते पहुंची है, लगातार उन्हां वल्लों जिहड़ी जांच भी कीती जा रही है और लुटेरियां नूं फड़न दे लई गल भी कीती जा रही है कि उन्हां नूं जल्द ही हुण तक पहुंच कीती जाएगी, उन्हां नूं सलाखां दे पिछे कीता जाएगा। पर परिवार जिहड़ा डरिया होया है, परिवार का जी जिहड़ा है वह तुहानूं तस्वीरां च साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अलमारियां का सारा समान बाहर सुट्टिया होया है और अलमारी के कबर दे विच जो समान रख्या होया सी कीमती गहने सी नकदी सी वह सारा कुछ लैके चले गए ने, यानी कि घर दे विच कोई भी कीमती समान चाहे वह गहना होवे चाहे पैसा होवे मोबाइल फोन होण सब कुछ लैके लुटेरे उतों चले गए ने। फिलहाल कहा जा रहा है कि कंध टप के परिवार जो लुटेरे सी ओह इस परिवार तक पहुंचे, कंध टप के घर विच दाखल होए, परिवार सो रहा सी, परिवार नूं पता ही नहीं लगा कि अचानक की होया क्योंकि सो रहा परिवार अचानक उन्होंने बंद दिता गया तो जब तक उन्होंने होश आई तो उन्होंने दस्या कि जो घर सीगा पूरी तरह ना साफ करके लुटेरे चले गए सन। बंदूक की नोक ते वड्डी वारदात वापर रही है और पंजाब की जेकर गल की जाए तो पंजाब दे विच भी अजिहियां वड्डियां लुट दियां वारदातां लगातार सामने आ रही ने और चोला खुर्द दे विच भी वड्डी वारदात परिवार दे नाल वापरी है कि परिवार दे घर दे विच देर रात 1 बजे लुट दी वारदात वापरदी है और परिवार सो रहा सी, उन्हां नूं बंदी बना लिया गया, हाथ पैर बन दिते गए, मूँह बन दिता गया और बंदूक दी नोक उत्ते, क्योंकि परिवार दे दसन मुताबक जिन्ने भी लुटेरे घर विच आए सी दर्जन तो वध सी लुटेरे उन्हां दे हत्थां दे विच हथियार सन और पूरे परिवार नूं बंदी बना के घर दे विचों
कीमती समान लैके फरार हो गए ने। फिलहाल इस पूरे मामले दे विच परिवार ने की कुछ किया है, पिंड दे लोग की कुछ कह रहे ने और पुलिस अपनी जान दे विच की कुछ जड़ी है लुटेरे तक पहुंचने लिए की कुछ कर रही है, आओ सुनते हैं। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੈਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਦੋ ਤੇ ਸੈੱਟ ਸੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਛਾਪਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਨਗਦੀ ਲੈ ਗਏ? 5000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਰਾਤ ਜੀ ਚੋਰ ਆਏ ਆ ਨਗਦੀ 10-12-15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ? ਦੂਜੀ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ 5000 ਕੈਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ? ਸੋਨਾ 11 ਤੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ? ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਮਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।